बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग व्यूअर्स। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ जाकिर खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 19 फरवरी है हमारा ये प्रोग्राम। हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। पिछले हफ्ते हमारा प्रोग्राम किसी वजह से नहीं हो सका था, लेकिन जनरली स्पीकिंग हर हफ्ते हर ट्यूसडे को हमारा ये प्रोग्राम वीनस टीवी में शाम 6 से 7 बजे के दरमियान होता है। इसमें इस प्रोग्राम में आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर कोई प्रॉब्लम के आपकी मुझसे बात हो सके। उसके अलावा अपना सवाल एक तक महदूद रखें और मुख्तसर रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स भी हमें इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं उन सारों से हमारी बात हो सके, उन सारों को हम एंटरटेन कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि जब आपकी इस प्रोग्राम में मुझसे बात होती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे बात करने के बाद भी बेहतर ये होता है कि किसी भी वकील के पास जाके आप अपना केस डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। उसकी वजह ये होती है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं इस प्रोग्राम में बहुत डिटेल में आपसे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूँ, तो मैं नहीं चाहता किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन कहीं पर हो। तो ये बेहतर होता है कि मुझसे बात, मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ आप मुझे जो सवाल करते हैं उस सिलसिले में, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस डिस्कस कर लिया करें। और अगर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद रابطہ करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस प्रोग्राम के दौरान जब हम ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले और प्रोग्राम के आखिर में मेरा ईमेल एड्रेस आता है। इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे किसी वक्त भी प्रोग्राम के बाद भी रابطہ कर सकते हैं। काफ़ी अरसे से ये प्रोग्राम हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। न सिर्फ इमिग्रेशन के कवानीन, अगर आपको कोई और भी लीगल मसला है तो इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं नवीद बोल रहा हूँ जी। नवीद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी कि मैंने बच्चों की बेस पे 7 ईयर के वीजे लिए थे, 7 ईयर की बेस पे, तो वो एक बच्चा इधर पैदा हुआ था तो वो हमारे वीजे खत्म होने के 2 महीने रह गए हैं, तो वो उस बच्चे के भी 10 ईयर पूरे होने वाले हैं, तो फिर हम इसका क्या तरीका कार होगा कि या तो हम अपने केस के साथ भेजें या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट उधर से दूसरे अप्लाई कर दें। देखें, आपका बड़ा अच्छा बड़ा एक कॉमन सवाल है जो कि अक्सर लोग इस सिचुएशन में होते हैं। अब बात यह है कि यूके के कानून के हिसाब से जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, जो नेशनलिटी एक्ट के तहत, अगर किसी कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता है यूके में और उसको यहाँ पे रहते हुए मुसलसल कंटिन्यूसली अगर 10 साल हो जाते हैं तो वो बच्चा अपनी बेसिस पे उसको रजिस्टर कर सकता है, यानी कि इसी बेसिस पे कि वो यहाँ पे पैदा हुआ है और यहाँ पे मुसलसल 10 साल उसको रहते हुए हो गए हैं, इसी बेसिस पे उसको रजिस्टर किया जा सकता है एज़ ब्रिटिश सिटीज़न। अब आपका जो है 2 महीने बाद आपकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन है, आप 2 महीने से पहले इस बच्चे को भी 10 साल हो जाएंगे ना? अगर 2 महीने, जी बिल्कुल, अगर 2 महीने से पहले इस बच्चे को 10 साल हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि आप अपने बच्चे के को रजिस्टर करा लें एज ब्रिटिश सिटीज़न 10 ईयर्स की बेसिस पे, कि उसको यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए, उसकी आप एप्लीकेशन कर दें। क्योंकि देखें, अगर अक्सर लोग ये भी करते हैं कि अगर बच्चे को वो टाइम पूरा नहीं भी हुआ था 10 साल और उनके वीज़े के एक्सटेंशन का टाइम आ गया है, तो बजाय इसके कि वो बच्चे को एज अ डिपेंडेंट अपनी एप्लीकेशन में शामिल करें और उसमें फिर वो होम ऑफिस की फ़ीसें दें, क्योंकि फ़ीस भी अच्छी खासी है, तकरीबन एक एक बंदे पे 2000 पाउंड, 1000 समथिंग तो होम ऑफिस की फ़ीस है, फिर वो हेल्थ सरचार्ज है तो 1000 पाउंड, तो फीस भी अच्छी खासी है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो नहीं एप्लीकेशन करते ऐसे बच्चे की कि जो यहाँ पे पैदा हो और उसको 10 साल होने वाले हों, क्योंकि उसको आप वैसे ही रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीज़न। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप अपने बच्चे के लिए अप्लाई करें एज ब्रिटिश, उसको रजिस्टर करें एज ब्रिटिश सिटीज़न 10 साल की बेसिस पर और आप अपनी रूटीन की एप्लीकेशन करें। उम्मीद करता हूँ नवीद साहब कि आपका आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया
अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं सजील बात कर रहा हूँ सर। जी सजील साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जी पूछिए। सर एक कि मैं अपनी सिस्टर को यूरोप से स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मेरे पास इस वक्त रेफ्यूजी स्टेटस है। आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है, आप अपनी सिस्टर को, तो आपकी सिस्टर की क्या नेशनलिटी है? पाकिस्तानी नेशनलिटी है उनकी, और वो जॉब कर रही हैं। कहाँ पे? वर्क परमिट पे, यूरोप के माल्टा में। तो आप उनको, तो आप देखें, आप जब स्पॉन्सर कहते हैं ना आप, तो स्पॉन्सर आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप उनका खर्चा बर्दाश्त करेंगे और आपके पास वो आके रहेंगी तो आप बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं उनको। थैंक यू। और दूसरा सवाल सर ये है कि मैं, मेरे 5 साल पूरे हो रहे हैं 2021 में जी, तो उसके बाद मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी, जब आपको आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिले हुए, जब आपको उस पर 5 साल पूरे हो जाएं, तो उसके बाद फिर आप इनडेफिनेट परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बहुत मुख्तसर से दो सवाल थे सजील साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैंने द लॉ शो में बात करनी है। जी आपकी कॉल इस वक्त लाइव है, मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ लॉ शो में। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं असद बात कर रहा हूँ भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र असद साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? हेलो, आप असद साहब टीवी का वॉल्यूम अगर आपने अभी बंद नहीं किया अपने, तो जरा काइंडली बंद कर दें तो जरा ज्यादा बेहतर तरीके से बात हो सके। वाले रूम से बाहर चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी ना मेरा बच्चे की बेस पे ना वीजा लगा था, मेरी वाइफ ब्रिटिश है जी, तो 2.5 साल का वीजा लगा था, तो अभी ना मेरी एक और बेटी पैदा हुई है जी। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ना मेरा अक्टूबर में ना सेपरेशन हो गया वाइफ के साथ, तो अभी मेरा वीजा जो एक्सटेंशन है वो जून में है, 1 जून को मेरा वीजा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वाइफ की यही कोशिश है कि ना किसी तरीके से मेरा वीजा ना लगे, क्योंकि उसकी कोई लड़ाई हुई थी मेरे भाई के साथ, आर्गुमेंट हुआ था ही नहीं बातों के ऊपर, तो मुझे ये समझ नहीं लग रही। अब मैं वैसे कोर्ट में जा रहा हूँ बच्चों की परमिशन लेने के लिए या कस्टडी लेने के लिए, तो मुझे कस्टडी अप्लाई करनी चाहिए या फिर मुझे वो अप्लाई करना चाहिए अरेंजमेंट, उसके लिए मैं 2-2.5 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो आज मुझे भी क्वेश्चन करने का मौका मिल गया, इसके ऊपर प्लीज मुझे गाइड कर दें। जी असद साहब, देखें जहाँ तक आपका 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 आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप, पहली बात तो ये कि आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको अपने बच्चों से मिलना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपकी वाइफ आपको इजाज़त नहीं देती तो आपको ज़रूर कोर्ट में जाके बच्चों से मिलने की इजाज़त लेनी चाहिए, और उसका फिर इफ़ेक्ट आपकी इमिग्रेशन पर भी होता है, क्योंकि अगर आपकी वो आपको परमिशन मिल जाती है कोर्ट की तरफ से, तो आपको उस बेसिस पे वीज़ा भी इशू होगा और आप बच्चों से भी मिलते रहेंगे। अब आपका सवाल ये है कि उनकी बच्चों की कस्टडी के लिए जाया जाए या उनसे मिलने की, जिसको चाइल्ड अरेंजमेंट ऑर्डर या मिलने की जो इजाज़त है उसकी तरफ जाया जाए। देखिए बच्चे अगर इतने छोटे हैं, आपने बताया कि 2-2.5 साल का शायद आपका बच्चा है या एक और दूसरी बच्ची भी हुई है आपकी, तो बच्चे अभी बड़े छोटे हैं, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता, कोर्ट ऐसे नहीं करती कि बच्चों को माँ से अलग कर ले इतने छोटे बच्चों को, तो आपको कस्टडी मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ, बहुत ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ पे किसी कोई ऐसे रीजंस हों जिसकी वजह से कोर्ट ये समझे कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि बच्चे अपने माँ के बजाय बाप के साथ रहें, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं किसी कोई मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई ड्रग्स के इशू इन्वॉल्व हों या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो उसमें या माँ क्रिमिनल हो या कोई, तो ऐसी सिचुएशन में तो फिर हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इतने छोटे बच्चों को अदालत कोर्ट जो है माँ से अलहदा नहीं करेगी। मेरे हिसाब से आपको मिलने की इजाज़त के लिए जाना चाहिए कोर्ट से, और बेहतर है इस सिलसिले में किसी वकील से जाके आप डिस्कस भी कर लीजिए, और बेहतर है कि कोई वकील आप के थ्रू आप एप्लीकेशन करें, ताकि किसी किस्म की कोई इश्यूज ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ असद साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं?
जी मेरा नाम फैज है जी। जी अयाज साहब, अयाज साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों के मुताबिक है। मैंने आपकी आवाज, अयाज साहब आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अगर साहब आप ठीक आ रही है? जी जी बोले और ऊंचा बोले प्लीज। जी मैंने जब इंडिपेंडेंस के लिए अप्लाई किया तो बच्चों के मेरे बच्चों ने मेरे साथ अप्लाई किया। जी जी तो दरमियान में ये हुआ था कि मेरे बच्चे गए थे बैक होम, तो उसका जब मैं सर्विसर के पास गया तो वो फॉर्म जो था वो एक ही फॉर्म था। मैंने अपना और दो बच्चों का अप्लाई टुगेदर किया, लेकिन उस बच्चे यहाँ से पाकिस्तान गए हुए थे लेकिन सर्विसर के चांस ले लेते हैं, तो बच्चों का इंडिपेंडेंट तो आ गया। अभी मैं ये सुना चुका मैं सिटीजनशिप के लिए बच्चों के लिए अगर अप्लाई करता हूँ तो अभी फॉर्म तो हर बच्चे का अलग-अलग अलग-अलग होगा, उसमें टाइम लिखना पड़ता है कि कितना साल यहाँ पर रहा, कितने साल ये ना कितनी छुट्टियां उसने वहां पर गुजारी। जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? देखें आप जब भी अप्लाई करेंगे ना बच्चों का तो या जब भी अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको लिखना तो पड़ेगा और वो जो आपकी जो सही सिचुएशन है वही लिखना चाहिए। अगर बच्चे यहाँ पे नहीं थे, छुट्टियों पे गए हुए थे, तो आपको बिल्कुल ज़रूर लिखना चाहिए। इसके अलावा तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो जो बच्चों की सिचुएशन है वो आपको जो सही सिचुएशन है कि बच्चे यहाँ पे अगर नहीं थे तो उस हिसाब से उनका आपको लिखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यार साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो जाकिर साहब, कई साल पहले आपने मुझे एक सवाल का जवाब दिया था, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी है कि आपने कई सालों बाद दोबारा याद किया है। जी बोलिए। नहीं मैंने सवाल नहीं पूछा था, मैंने फोन किया था तब मैं आपको देख नहीं पाता था, लेकिन जो आप सर्विस दे रहे हैं इसका मैं बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे आपका बे इंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कॉल करना खुद एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। जी जी धड़कन तेज हो जाती है, बातें, आवाज, जुबान, लैंग्वेज, डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। जी जी लेकिन आपकी बर्दाश्त, आपकी जो रिस्पॉन्स है इज सच ए नाइस थिंग। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, बट द वे यू आर आंसरिंग आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल। बहुत शुक्रिया। मैं आपके आपने इतने अच्छे अल्फाज कहे मेरे बारे में, बहुत मुझे खुशी हुई और बहुत शुक्रिया। बताइए आज, पहले तो अपना नाम बता दीजिए और फिर बताइए आपने आज कैसे कॉल किया। मैं हसन हूँ, मेरा सवाल भी आ रहा है, डोंट वरी। जी जी सवाल ये है कि तब हम लोग आए थे टीयर टू पे, तो उस वक्त सवाल ये था कि लोग अक्सर आते हैं विजिटर वीजे पे। जी जी और बड़ी कोशिश करते हैं यहीं कहीं रह के वापस ना जाना पड़े और टीयर टू पे ही वो जॉब क्या कहते हैं वीजा हो जाए। जी जी आपने एक सेंटेंस कहा था भाई ना करो। जी जी जाओ आराम से जाओ, अगली फ्लाइट पे वापस आ जाओगे, ये ऐसे ही हुआ था। जी जी तो मैं एक पाकिस्तानी हूँ। जी जी क्वेश्चन ये है कि टीयर टू पे आने के बाद हम सब लोगों का आईएलआर हो चुका है, माशाल्लाह वेरी गुड, बच्चों का भी मेरा भी, लेकिन वाइफ ने तब वो क्या कहता है लाइफ इन यूके वो किया था। जी जी लेकिन लैंग्वेज का टेस्ट वो अभी ना किया है ना करने का, हम सब की असेसमेंट है बच्चों की भी और मेरी भी, वो शायद ना ही कर सके, लिहाजा उसका हमने वो नहीं अप्लाई किया नेचुरलाइजेशन। जी आगे क्या प्रोसेस है, शैल वी वेट, शैल वी मेक आर प्रिपेयर टू दैट? देखें अभी जो रिक्वायरमेंट है आपने जिस तरह बताया कि आप लैंग्वेज ज़रूरी है, इंग्लिश की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है नेशनलिटी के लिए, तो अगर आप वो वैसे ही अप्लाई करती हैं लाइफ इन द यूके टेस्ट की बेसिस पे तो वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जानी है, आपके पैसे फजूल में ज़ाया होंगे। उससे बेहतर तो ये है कि फ़िलहाल मत अप्लाई करें और वो उसके लिए प्रैक्टिस करें या जो भी कोर्स वगैरह करना है उनको करना चाहिए। अगर कोई मेडिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर सकती इंग्लिश का टेस्ट, दैट इज़ समथिंग एल्स, उसमें फिर उस सिलसिले में फिर उनको डॉक्टर से लेटर डिटेल सारा कुछ होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो खाली ये वजह है कि वो नहीं कर सकती
तो फिर उनकी नेशनलिटी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। बेहतर है कि वो तैयारी करें और टेस्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक तो अगर आप नोट करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे बताया जा रहा है एक ब्रेक का टाइम हो गया, थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जाएंगे, आप किधर जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हम जो कॉल्स का सिलसिला ब्रेक से पहले ले रहे थे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? अजीम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी, मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग माय सन। मेरा बेटा पाकिस्तान में बॉर्न हुआ था 2012 में, उस वक्त मैं टीयर वन जनरल वीजा पे था। अभी मेरे पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है जो मेरे पास पिछले 2 साल से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या मेरा बेटा नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं? नहीं, आपका बेटा चूंकि पाकिस्तान में आई बिलीव पैदा हुआ था, वहीं पे है, जिस वक्त पैदा हुआ था उस वक्त आपके पास नेशनैलिटी नहीं थी। आपने बताया टीयर वन जनरल वीज़ा था आपके पास, तो उस बेसिस पे अगर अभी आपके पास नेशनैलिटी है तो इस बेसिस पे वो नेशनैलिटी के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अजीम साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जाकिर साहब से बात करनी थी। जी बोल रहा हूँ, मैं जाकिर बोल रहा हूँ, कौन सा बोल रहे हैं? जी जाकिर साहब, मैं अजीज बोल रहा हूँ लंदन से। जी अजीम साहब, अभी आपसे तो बात नहीं हुई थी? अजीज नहीं नहीं अजीज बोल, अच्छा आपसे पहले कॉलर जो है अजीम साहब थे, तो मैंने कहा शायद अभी आपसे बात हुई। जी बोलिए अजीज खान, मेरा नाम है, लंदन से बोल। जी मैंने ये पूछना था सर कि मैं टीयर टू पे डिपेंडेंट हूँ जी, और ये इशू हुआ था मुझे जनवरी 2014 में, और अभी वाइफ को 5 साल हो गए थे, तो बच्चों के साथ उन्होंने अप्लाई किया था रिसेंटली जनवरी में, उनको तो ILR मिल गया है। मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि वेबसाइट पे दिया हुआ था कि आपकी जो है कि 5 साल के पूरा रेजिडेंस होना चाहिए जी। तो 2018 जनवरी के बाद तो मेरी कोई एब्सेंस नहीं है यूके से, लेकिन पहला साल जो था 2014 में उसमें मेरी क्यूमुलेटिव एब्सेंस 180 डेज से ज्यादा है इंक्लूडिंग माय फर्स्ट इंट्री। उसमें क्या क्या मैं अप्लाई कर सॉरी 180 डेज से ज्यादा है पहले साल में 2014 में? वो मेरी क्यूमुलेटिव यानी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मैं आता जाता रहा हूँ, तो वो टोटल करें तो वो 180 दिन से ज्यादा बन जाती है इंक्लूडिंग माय फर्स्ट एंट्री जो कि मार्च 2014 में थी। और आपके पास वीजा कब तक का है? मेरे पास जो है 1 अप्रैल 2020 तक का है डिपेंडेंट वीजा। वाइफ को ILR मिल गया है जी। तो मैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि वैसे जनरली स्पीकिंग अगर क्यूमुलेटिव एब्सेंस आपकी हो तो इसमें डिस्क्रेशन होती है होम ऑफिस की, और अगर इतना पुरानी बात है 2014 की और उसके बाद अगर आपकी फिर उसी तरह एब्सेंसेस नहीं रही हर साल, तो फिर तो कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आपको यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा, चूँकि आपके पास वीज़ा है अगले साल 2020 तक, तो आपको अभी जनवरी में चूँकि 5 साल हुए हैं, आप 2-4 महीने मज़ीद वेट कर लें ताकि वो 6 महीने का जो इशू है वो भी ख़त्म हो जाए और फिर आप अप्लाई करें तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अजीज साहब अभी भी अगर आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है इसमें अभी होम ऑफिस की डिस्क्रेशनरी एक उनका पावर है, लेकिन लाइक आई सेड अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो बात ज़रा क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ ज़रा, मुझे पता करना था जी कि हमारे पास बच्चों की बेस पे 7 इयर्स के बेस पे वीज़ा मिला हुआ है जी। जी तो मेरा बच्चा जो बड़ा वो 18 इयर्स ओल्ड हो गया है, तो हमें अभी जो जाना उसने यूनी, तो वो समझ नहीं आ रही कि हमें लोन मिलेगा कि नहीं। लोन नहीं मिलेगा तो फिर तो ये
जी देखें, जहाँ तक इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यूनिवर्सिटी अगर वो जाएगा तो शायद वो लोन नहीं देते, लेकिन ये बहरहाल आपको जिस यूनिवर्सिटी वो जाएगा या जहाँ पे उसको एडमिशन मिलता है उन्हीं से रब्ता करके मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि आम तौर पे वो ये कह सकते हैं कि उनके पास इनडेफिनेट हो बच्चे के पास तो फिर हम देंगे, लेकिन ये आपको यूनिवर्सिटी वाले ही बता सकते हैं। अच्छा। जी उम्मीद करता हूँ। जी बहुत थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम अली है जी, मैं जाकिर भाई से बात कर रही हूँ। जी मैं जी जाकिर बोल रहा हूँ, आपकी कॉल इस वक्त लाइव है। अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा क्वेश्चन है जी, मैंने लास्ट दिसंबर को मैंने अप्लाई किया था इंडेफिनेट के लिए। जी जी तो उसके लिए अप्लाई किया था, तो उस टाइम पे मेरा लाइफ इन द यूके नहीं हुआ था, मैंने बाद में मेरे टेस्ट की डेट जो थी बाद की थी। जी तो मैंने तो फाइल सबमिट करवा दी थी। जी जी तो मैंने उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे कहा कि आप वेट करें, जब हमारा वो फाइल की जो कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो हम आपसे रब्ता करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या सीन होगा? आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट कर दिया, कर लिया? जी 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 मैंने कर दिया। आपने भिजवाया उनको कि नहीं उसका सर्टिफिकेट? नहीं मैंने उनसे रابطہ करने की कोशिश की है, मैंने उनको बोला है। आप आप रابطہ ना करें ना, आप भिजवा देना। आप भिजवाए वो उसी प्रोसीजर से भिजवाना पड़ेगा जी। आपका आपने अभी अपनी, अगर आपने ऑलरेडी दिसंबर में एप्लीकेशन सबमिट आपने कर दी हुई है तो आप जो है उनको आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट वगैरह आया है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं आया अभी तक, वो कह रहे हैं इन प्रोसेस 6 to 3 to 6 months। जी जी एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि आप जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है वहाँ पे आप लाइफ इन द यूके आप उनका हवाला दे सकते हैं कि जब मैंने एप्लीकेशन की थी उस वक्त मैंने मेंशन किया था कि मैं टेस्ट बुक किया था लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, अब मैंने कर लिया और ये लाइफ इन द यूके टेस्ट सर्टिफिकेट है, तो होपफुली जो है वो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको भिजवा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं शादा बोल रहा हूँ। एक बात पूछनी थी कि मैंने अपनी वालदा से अप्लाई किया था 2 महीने के लिए वीजा के लिए, साल पहले। जी जी इसकी दोबारा अप्लाई किया 2 साल के लिए। तो पहले तो पैसे तोड़े थे बैक होम, तो स्टेटमेंट लगाई थी, वो पैसे हम इधर मंगवाए थे अपने मॉर्गेज के लिए, तो अभी वहाँ पे पैसे नहीं है, मतलब पाकिस्तान स्टेटमेंट में। कितने पैसे मुझे भी शो करने पड़ेंगे अगर मैं अप्लाई करता हूँ 5 साल के लिए? देखें शादाब साहब जब कोई विजिट वीज़ा पे आता है ना, जब कोई विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो 2-3 चीज़ें देखते हैं जो वीज़ा ऑफिसर। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो शख्स विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपने मुल्क में पाकिस्तान में से अगर अप्लाई करें, पाकिस्तान में कितने सेटल्ड हैं, क्या फैमिली है उनकी, क्या प्रॉपर्टी है उनकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जा के वापस नहीं आएंगे। जितनी कोई ज़्यादा बंदा इंसान सेटल्ड होगा अपने मुल्क में, उसकी फैमिली होगी, उसका कनेक्शंस होंगे, उतना चांस कम होगा कि वो यहाँ पे रह जाए यूके में। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ वो देखते हैं कि जी फिर ख़र्चा वगैरह कौन करेगा ट्रिप का और किस लिए आप जा रहे हैं, तो इसलिए बैंक बैलेंस जो है उनका शो करना ये मस्ट नहीं है कि उनके पास कोई बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। आपकी वालदा की क्या वहाँ पे सिचुएशन है, उनके बच्चे हैं जिनके पास वो रह रही हैं, बच्चे उनका ख़र्चा उठा रहे हैं, या आपके फादर जो हैं वो भी उनके साथ रह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको उनको देनी होगी ताकि वीज़ा ऑफिसर जो है इस चीज़ पे सेटिस्फाइड हो कि आपकी वालदा पाकिस्तान में ठीक ठाक सेटल्ड हैं, उनके अपने बच्चों के पास रह रही हैं, वो उनका ख़र्चा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी या जो भी सिचुएशन है, तो अच्छा खासा अपने आपके फ़ादर उनके हस्बैंड वहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जाएंगी और वापस नहीं आएंगी। जब यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर जहाँ तक यहाँ पे ख़र्चे की बात है, अगर वो आपके पास रहेंगी तो आप, और अगर आप उनका ख़र्चा सारा उठा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिर आपने ये शो करना है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी इनकम इनफ है कि आप जो है अगर वो आती हैं तो आप उनका ख़र्चा उठा सकते हैं, आप
के पास उनको रखने के लिए इनफ जगह है, तो फिर आपके कागजात भी जो हैं वो काम उनकी भी ज़रूरत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ शादाब साहब, ये मैंने आपको जनरल सिचुएशन बताई है, क्योंकि स्पेसिफ़िकली तो मुझे आपके सर्कमस्टांसिस का नहीं पता और पॉसिबल भी नहीं है कि मैं उस प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस कर सकूँ, लेकिन जनरली मैंने आपको इसलिए सिचुएशन बताई है क्योंकि उस हिसाब से फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके लगा सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं जी? केवल सिंह बोल रहे हैं जी। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर जी मैं तो मेरी मैसेज इटली तो आए थे अपने बेटे के नाल। जी जी ते वो आए थे फरवरी 17 च। जी जी ते पेपर अप्लाई किए थे ना, पहले उन्होंने रिफ्यूजल लाती। आप अपने आपके बेटे के साथ इटली से आए हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आपके बेटे के पास कौन सी नेशनलिटी है, इटालियन नेशनलिटी है? हाँ जी इटालियन नेशनलिटी। ठीक है, तो जब आपने बच्चे के साथ अप्लाई किया अपना, तो वो रिफ्यूज कर दिया होम ऑफिस ने? हाँ जी वो रिफ्यूज कर दिया है। अच्छा, तो क्या दोबारा पेपर अप्लाई किए सर? दोबारा अप्लाई किया? हाँ जी। तो अभी सवाल क्या? दोबारा 24 अगस्त ने दोबारा अप्लाई किया है। जी जी, वो तो बाद कुछ नहीं आया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं हुआ लेटर कोई भी। अच्छा देखें, अगर 24 अगस्त को आपने अप्लाई किया तो कुछ तो उनकी तरफ से आया होगा ना, कोई एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो होती है इनिशियली, जब आप कोई भी एप्लीकेशन करता है तो उसका वो भेजते हैं होम ऑफिस के, जी आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है, वो तो कुछ तो आया होगा ना? नहीं कुछ भी नहीं आया जी, पेपर वैसे एक बार पता कितना घंटे पेपर जी, है आपको चाहिए पेपर। अगर आपको चाहिए, अगर आपको कुछ भी अभी तक नहीं आया, क्योंकि 24 अगस्त से एक सर ने पेमेंट जड़ी फीस कटी है जाके अक्टूबर 30 अक्टूबर नु कटी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन उनके पास उनको मिल गई थी। ठीक है, अब आपको चाहिए ये मेरे हिसाब से कि अगर 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया है, तो अगर आपके कोई वकील हैं या ख़ुद से अगर वकील नहीं है तो आप होम ऑफिस से रब्ता करें और उनको बताएं कि इतनी देर की आपने एप्लीकेशन की हुई है, अभी तक आप फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके केस का आपको अपडेट बताएं कि क्या सिचुएशन है। कहीं ऐसा ना हो कि होम ऑफिस ने फैसला दे दिया हो, कोई कागजात इधर उधर हो गए हों, आपको मिले ना हो डिसीजन, तो इसलिए अगर 6 महीने से ज़्यादा का अर्सा हो गया तो आपको चाहिए कि होम ऑफिस से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम शहबाज है जी। शहबाज साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ जी, और मैंने अपनी वाइफ और बच्चे का सेकंड एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, डिस्कशनरी लीव ऑन द बेसिस ऑफ वीज़ा अप्लाई किया मैंने उनका। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो मेरा बेटा है उसके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे अगस्त में जी लीगली, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं उसकी ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ और शैल आई गो फॉर इनडेफिनेट लीव टू रिमेन? वो बच्चा आपका यहीं पे पैदा हुआ है? नहीं, वो पाकिस्तान में पैदा है। तो फिर आप उसके लिए नहीं कर सकते, आपको इनडेफिनेट अप्लाई करना पड़ेगा जी। उसको पहले इनडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करना जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसको मैं माइनर में नहीं लेके जा सकता ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए? नहीं, ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए वो जब वो पैदा हुआ था उस वक्त आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप तो नहीं थी ना? नहीं जी। तो अगर ऐसी सूरत है, वो फिर एज अ डिपेंडेंट के तौर पे आपके पास यहाँ पे आया है और उसको वीज़ा मिला है, यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, तो अभी आप उसकी उसको डायरेक्ट आप रजिस्टर नहीं करा सकते एज ब्रिटिश सिटीजन। ओके जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब तक जवाब नहीं आता और इन दोनों के कंप्लीट हो जाते हैं 10 ईयर्स, तो क्या मैं उस एप्लीकेशन को वेरी कर सकता हूँ? बिल्कुल आप वेरी कर सकते हैं, अगर आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन करते हैं दोनों के लिए और इस दौरान उनके 10 साल पूरे हो जाते हैं यहाँ पे लीगल तरीके से रहते हुए और एक्सटेंशन की एप्लीकेशन का कोई फैसला नहीं आता, तो फिर आप वेरी कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस मेरा आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। अगेन एक ब्रेक का टाइम हो गया, आप किधर जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद मैं थोड़ी देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, इसलिए बगैर कोई वक्त जाए कि अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, कौन सा बोल रहे हैं?
सर मेरा नाम निरंजन है। जी निरंजन, छोटा सा सवाल है जी। सर मुझे इस कंट्री में 17 ईयर हो गए हैं और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। जी 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 सर, मैंने अपनी फैमिली को बुलाया था इंडिया से, दो बच्चे और वाइफ। सर जब मैंने अप्लाई किया था 10 मार्च 2017 को, तो उन्होंने एक बार मेरा वीजा रिफ्यूज किया था, तो मैंने कोर्ट में अपील की थी, अपील में विन कर गया हूँ, अलाउ कर गया हूँ। सर उसका डिसीजन आया 27 सितंबर को 2018 के अंदर कोर्ट का। सर उन्होंने मैं पेपर नहीं भेजा था, तो हमने उनको ईमेल करी कि हमें कोई प्रूफ तो दो कि हम केस जीत गए हैं। तो सर 10 दिसंबर को उन्होंने हमारे को पेपर मेल करी है। सर बाकी का जो आगे का उन्होंने ना अभी तक मुझे दिया नहीं है, 4.5 महीने हो गए। सर 150 पाउंड हमने फोन कॉल पे लगा दिए हैं। सर वो कह रहे हैं कि 14 दिन वेट करो, 14 दिन वेट करो। सर मैं बड़ा अपसेट हूँ, क्या करूँ मैं? आप ऐसा करें, हमने एमपी से भी मेल करवा दिया उनको। जी आपने एमपी से भी अगर ईमेल करा दिया ना, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने वकील से, अगर वकील आपके थे जिन्होंने अपील पे आपका केस लड़ा था, उनको भी बोल दें कि वो भी ईमेल कर दें, और आप एमपी के सर उन्होंने 15 ईमेल कर दिए। आपने अगर एमपी के जरिए भी ईमेल करा दी है एमपी ने, तो फिर आप थोड़ा सा हौसला रखें, होपफुली फिर जल्दी कोई फैसला आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एमपी के ज़रिए भी उनको लिखवा दिया है और अपने वकील के ज़रिए भी कर दिया, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करें, होपफुली इसी महीने या अगले महीने तक उनको वीज़ा इशू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मिसेस जाबिद बात कर रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पाकिस्तान में है हस्बैंड, तो उनके लिए। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी सवाल। जी बोलिए। जी तो अब उनको मिल गया था वीजा, और मैंने ना रेंटल इनकम के बेस पे किया था, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई की थी। जी जी। तो अब उनको मिल गया 33 महीने का, जो कि दिसंबर, इस साल दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो अब जब मैं दोबारा, मैं सोच रही थी कि एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगी, तो मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसी रेंटल इनकम से भी मैं कर सकती हूँ, प्लस मैं कैश सेविंग से भी कर सकती हूँ, जो शायद 65,000 या कुछ ऐसे है। तो क्योंकि उसमें बहुत लॉट ऑफ पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है रेंटल इनकम में, वो टेनेंसी एग्रीमेंट वगैरह, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं उस बेस पे चली जाऊँ, 65,000 सेविंग तो दिखा दूँ, तो वो मुझे कितने अरसे के लिए सेविंग मेरे पास होनी चाहिए, और क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए, क्या उसके भी मुझे पेपर लगाने होंगे? और दूसरी बात ये कि जब अब 2.5 साल के लिए दोबारा एक्सटेंशन हो जाएगी, तो क्या फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो दोबारा आपको ये अपनी दिखानी पड़ेगी, सेविंग्स या इनकम आपको दिखानी पड़ेगी? ये था मेरा सवाल। जी देखें, जो आपका सवाल है सेविंग्स से रिलेटेड, यस सेविंग्स की बेसिस पे भी आप अप्लाई, आप या आपके हस्बैंड अप्लाई कर सक, आप या आपके हस्बैंड की सेविंग की बेसिस पे भी आपके हस्बैंड अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सेविंग है अराउंड 63,000 के करीब, ये उनके एक या आपके या दोनों के, आप दोनों के अकाउंट में 6 महीने से मिनिमम होनी चाहिए। जब वो अप्लाई करें तो मिनिमम 6 महीने से वो अकाउंट में होनी चाहिए, और कहाँ से सेविंग्स आई है उसका भी प्रूफ होना चाहिए, सोर्स ऑफ फंड्स भी कि कहाँ से, वो सारा कुछ भी होना चाहिए। और जब वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे 5 साल बाद, तो फिर दोबारा उनको 18,600 इनकम की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको मीट करनी पड़ेगी, या सेविंग्स के ज़रिए सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, या इनकम के ज़रिए सेटिस्फाई करना पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? रायन बात कर रहा हूँ जी। रायन जी, रायन साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे भाई ने अप्लाई किया था पाकिस्तान से विजिट विजिट के लिए। जी जी। तो उसका पासपोर्ट गुम हो गया था, और फिर जब उसने दोबारा अप्लाई किया तो उसने कहा था कि मेरा जो पासपोर्ट है वो उसमें है, कि तेरा प्रीवियस पासपोर्ट था कि नहीं था, तो उसने कहा थी गलती से, उसने कहा नहीं। तो अब इसका वीजा रिजेक्ट हो रहा है बार बार, अभी 10 साल हो गए, मतलब है कि जो दोबारा फाइल किया था वीजे के लिए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिजेक्ट होता जा रहा है, मतलब 10 साल हो गए उस गलती। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? देखें देखें, बात यह है रायन साहब, अगर उन्होंने इस वजह से रिफ्यूज किया था और या उन पर बैन लगाया था कि आपके भाई ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, डिसेप्शन से काम लिया था, तो 10 साल अगर हो गए हैं, 10 साल बाद अगर वो इस चीज़ को दोबारा बेस बनाते हैं, तो और खाली यही अगर रीज़न है, उसके अलावा बाकी की वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई करते हैं,
फिर उसका एक तरीका तो ये है अगर कि फिर आप या आपके भाई फिर यहाँ पे कोर्ट में उसको चैलेंज करें कि 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, पहले गलती से हुआ था या जो भी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, लेकिन इन एनी केस जो उनको बैन था वो 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, अब ये अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो गलत रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फिर यहाँ पे एक चैलेंज करने का एक प्रोसीजर है और उस सिलसिले में बेहतर है आप किसी वकील से रब्ता करके डिटेल में डिस्कस करके इसको फॉलोअप करें। बहुत शुक्रिया रायन साहब, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई ने दिसंबर 2014 में असाइलम क्लेम किया था जी, और कोई 4 साल बाद ये लास्ट ईयर नवंबर में उनका जो है वो केस पास हुआ फर्स्ट ट्राइब्यूनल के थ्रू। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके बाद से जो है उनके कोई पेपर्स वगैरह नहीं आए, कोई होम ऑफिस ने कोई लेटर इसके अलावा नहीं भेजा कि कोई मतलब होम ऑफिस ने कोई लेटर उनको नहीं भेजा कि जो भी आगे का जो प्रोसीजर होता है कि बीआरपी बन के आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि नॉर्मली क्या इतना ही टाइम लगता है या हमें अब क्या करना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए? जी देखें डॉक्टर साहब नवंबर 2018 में आप बता रही हैं कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल ने फैसला आपके भाई के हक में दिया था, तकरीबन 3 महीने होने को है या हो गए हैं। आम तौर पे यही टाइम फ्रेम होता है, 3 से 3-4 महीने के अंदर होम ऑफिस जो है वो इशू कर देता है बीआरपी कार्ड, अनलेस के होम ऑफिस उस फैसले के ख़िलाफ़ आगे अपील पे जाए परमिशन के लिए जब जाते हैं अपर ट्रिब्यूनल में। मुझे आपकी बातों से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि होम ऑफिस ने उस फैसले के ख़िलाफ़ आगे वो अपील नहीं की थी, तो अगर अपील नहीं की तो यही टाइम फ्रेम होता है जैसे कि मैंने कहा 3-4 महीने का। आपको चाहिए, सॉरी आपके भाई को चाहिए कि वो अपने वकील के ज़रिए होम ऑफिस से रब्ता करें और उनको बोलें कि जितना अर्सा हो गया मेरी अपील को अलाउ हुए तो आप काइंडली मुझे बीआरपी और मुझे जो स्टेटस डॉक्यूमेंट्स हैं और जो बीआरपी कार्ड है वो इशू करें, तो होपफुली वो फिर जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं शकील बात कर रहा हूँ, जाकिर भाई से बात हो सकती है? जी शकील साहब बिल्कुल, मैं जाकिर बोल रहा हूँ, आप इस वक्त लाइव हैं, बोले क्या क्या आपका मसला है? जी जाकिर भाई, मैंने ये पूछना था कि मैं बेसिकली यूरोपियन नेशनैलिटी है, मेरे पास यूरोप से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपने सेटल स्टेटस के बारे में पूछ रहा था, जो जहाँ पे जो रहते हैं यूरोपियन उनके लिए वो है नई जो एप्लीकेशन डालनी है जी, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट मंथ अप्रैल में मुझे 5 ईयर हो जाएंगे कंटिन्यू यहाँ पे काम करते हुए जी, तो आया कि मैं अभी डाल सकता हूँ एप्लीकेशन सेटल स्टेटस के लिए या मुझे टिल वेट करना पड़ेगा जब मेरा कम्प्लीट हो जाएगा 5 ईयर पीरियड? जब आपको 5 ईयर्स हो जाएंगे ना तो फिर आप क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए हुए 5 साल होना जरूरी है और तभी उसी बेसिस पे आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं रह तो मैं पहले से रहा हूँ, 2010 से रह रहा हूँ, बट तब मैं स्टेटस मेरा अपना नहीं था कि मैं अपना सेलो स्टेटस काम कर रहा हूँ या क्या है जी जी। बट अब मैं अपने ऊपर ही जो है मैं देखिए खाली रहने की बात नहीं है, आप यहाँ पे ट्रीटी राइट भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो आपने जब भी सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना है आपने ये प्रूफ करना है कि पिछले 5 सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं और ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप ये दोनों चीज़ें प्रूफ कर लेते हैं तो फिर आप क्वालिफाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शकील साहब, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम सना है, मैं जाकिर साहब से बात कर सकते हूँ? जी मैं जाकिर बोल रहा हूँ, आपकी कॉल इस वक्त लाइव है, बोलिए क्या सवाल है आपका? अच्छा जी, मैं पूछ रही थी कि मैं 2009 में इस कंट्री में आई थी और 2010 में मुझे 5 साल का रिफ्यूजी मिल गया, उसके बाद 5 साल के बाद मुझे इंडेफिनिट लीव भी मिल गया, लेकिन उसके बाद नेशनलिटी नहीं मिली क्योंकि वो कहते हैं जब 10 साल आपको पूरे होंगे तब आपको नेशनलिटी मिलेगी। जी। तो ये मैंने पूछना था कि इसमें ये सही है किस हद तक, 2020 जून में मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई करूंगी, तो आप मुझे फोन पे जवाब देंगे या मैं टीवी पे सुन लूं? देखें आप बिल्कुल टीवी पे, मैं फोन पे आपको जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल सही है, जब आप
जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करती हैं या जो भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है तो होम ऑफिस ये देखता है कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने किसी किस्म की कोई इमिग्रेशन कंडीशन ब्रीच नहीं की, और अगर आप इस दौरान किसी स्टेज पे भी ओवरस्टे रहे हैं तो वो भी काउंट होता है कि आपने इमिग्रेशन कंडीशन ब्रीच की है। अगर आप 2009 में यहाँ पे आई थी, मुझे आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन तो नहीं मालूम, लेकिन आपने बताया कि 2010 में आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला, उससे पहले अगर आप इलीगल थी तो वो आपका, अगर अभी आप अप्लाई करेंगी नेशनलिटी के लिए तो 2009 तक आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, और अगर 2009 में आप ओवरस्टेयर इलीगल रही हैं तो उस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। आपने तब अप्लाई करना है जब आप ये आप लास्ट 10 ईयर्स में किसी वक्त भी ओवरस्टेयर इलीगल ना हुई हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें और टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया। आप जल्दी से बताएं सवाल क्या आपका। मैं अवैध बात कर रहा हूँ जी। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अवैध साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं असाइलम सीकर हूँ और मुझे एक लेटर रिसीव हुआ है, केस मेरा चल रहा है, उसमें उन्होंने मुझसे काफी सवाल पूछे हैं। उसमें एक सवाल है कि आप ड्राइविंग करते हो, और अगर करते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है हमें दो जी। और मैं ड्राइविंग भी करता हूं और लाइसेंस भी है मेरा, और मैं सोच रहा हूं कि उनको दूं या ना दूं। अगर दूं तो वो मुझे रिवोक तो नहीं कर देंगे लाइसेंस, क्योंकि ड्राइविंग करता हूं। और दूसरा यह कि मैं नॉन स्पोर्ट में भी हूं। अब ऐसा देखें, आप उनसे छुपा तो नहीं सकते कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, और ना आपको छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो वो मालूम कर सकते हैं। तो आपको उनको बताना ही पड़ेगा। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब आप उनको बताएं तो आप उनको साथ एक रिप्रेजेंटेशंस वगैरह ख़ुद से वकील के थ्रू लिख सकते हैं कि जी मेरी अब ये केस चल रहा है, आपको ड्राइविंग की ज़रूरत है, अगर आपके बच्चे हैं या जो भी सिचुएशन है आपको ड्राइव करना पड़ता है, तो शायद वो आपकी जो है वो लाइसेंस रिवोक ना करें। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको उनको बताना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, जाकिर साहब जी। जी कौन सा बोल रहे हैं? हमदान बोल रहा हूँ जी। इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरी वाइफ जो है ना वो स्पाउस विद है, 5 इयर्स रोड पे है जी। जी एडमिशन मिल गया है, मतलब है उसका 5 इयर्स पूरे उसको हो जाएंगे नेक्स्ट 2 इयर्स में जी। जी अगर वो भी पाकिस्तान चले जाए और 4-5 महीने गुजार ले वहाँ पे जी जी, तो इस गुना इफेक्ट नहीं डेफिनेटली टू रिमेन ऑन? नहीं, अगर वो पाकिस्तान जाती हैं और एज लॉन्ग एज वो 6 महीने से पहले आ जाती हैं तो फिर इफेक्ट नहीं पड़े होगा उनकी इंडेफिनेट लीव पे। ये बात भी सही है कि 5 इयर्स पीरियड में उसको 180 डेज से अगर 6 मंथ से ज्यादा नहीं गुजरना चाहिए जी। जी जी पूरे 5 साल में कि एक दफा? नहीं, वो यही है कि आप पूरे जो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, अगर साल में वो 6 या इंडेफिनेट रिफ्यूज हो सकता है, अगर साल में वो 6 महीने से ज्यादा रह जाए। ठीक है जी। इमरान साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है तो इसलिए मैं मजीद डिटेल में तो आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन एज लॉन्ग एज वो 4-5 महीने के अंदर अंदर आ जाती हैं वापस तो फिर वो इंशाल्लाह उनकी इंडेफिनिट जो है वो इफेक्ट नहीं होती। एज लॉन्ग एज फिर नेक्स्ट ईयर वो दोबारा कहीं इतने अरसे के लिए ना चली जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त आज का चूँकि ख़त्म हो गया, इससे मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो सकी, अगर आप चाहें तो मुझसे ईमेल के ज़रिए रابطہ कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी किसी वक्त भी रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते नेक्स्ट ट्यूसडे को शाम 6 बजे दोबारा वीनस टीवी पे आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।